नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्य और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज 3। तो आप लोग काफ़ी प्यारा एक्ट्रेस देखते होंगे जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं, शिल्पी रघवानी, जो कि खेसारी भैया हो गए और कुछ सजा के साथ रेगुलर आप लोग हिट से हिट गाना आप लोग उनके साथ आता है और आप लोग काफ़ी प्यार सपोर्ट देते हैं। तो आज ऑलरेडी मेरे साथ मौजूद है और आप लोग के चैनल पे भी मौजूद है। चलिए आज ढेर सारा बात होगा, आप लोग इस इंटरव्यू को देखिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ बताइएगा। तो शिल्पी जी आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, नमस्ते। आप सबको, जितने भी लोग मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। चलिए सबसे पहले क्या धमाका आप लोग करें आप और अंकुश भैया के साथ, जो कि कोई भी मतलब सॉन्ग आता है काफ़ी मार्केट में अच्छा पहचान और अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल जाता है वो गाने से। हम लोग उस गाने के पीछे मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे तो उसका तो फल अच्छा मिलेगा ही, तो यही है। और पब्लिक इतना प्यार करती है, हम लोग को सपोर्ट करती है। बिल्कुल अच्छा, मान के चलिए आप तो सारे लोगों के साथ काम किए, खेसारी भैया हो गए और अंकुश राजा और बहुत ही जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, लेकिन आपका कोई ख्वाहिश या और भी कुछ अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जैसे खेसारी भैया के साथ तो काम कर चुके हैं, पवन सिंह और भी कुछ? हाँ, पवन सर के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ, सारी सर के साथ भी मैं काम की हूँ, सबके साथ। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेहतर आपको काम करके किन के साथ अच्छा लगा? मैं सबके साथ काम की हूँ, मतलब ये नहीं कहूँगी कि सब किसी के साथ कर ले, मतलब जितने लोग के साथ की हूँ सबके साथ मुझे अच्छा लगा काम। फिर भी कुछ खास? खास कोई नहीं है, सबके साथ मैं काम करती हूँ, सबके साथ अच्छा लगा। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किन्हें पसंद करते हैं एक्टर में? एक्टर में सबको, फिर जितने भी हैं सबको मैं पसंद करती हूँ। सिंगर भी हैं, अंकुश राजा हो गए, ये समर सिंह हो गए, खेसारी जी हो गए, पवन सर हो गए, मतलब जितने भी हैं सबको मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, आप जो इतना अच्छा डांस करते हैं एक्ट करते हैं, मतलब किन से आप सीखे हैं सब? मैं सीखी किसी से नहीं हूँ, मेरा बचपन से ही ये शौक था करने का, तो कुछ देख के कुछ डांस, यहाँ सेट पे भी आती हूँ तो मुझे सीखने को मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत पहले से सीख के क्या ही हूँ, सेट पे भी आती हूँ तो मुझे बहुत नया नया कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, जब आप लोग इतना मतलब मेहनत करते तो फिर आप लोग का शरीर इतना पतला क्यों रहता है? कुछ खाया पिया कीजिए। मेहनत करते इसीलिए पतला रहता है सर? नहीं, देखिए मेरे साथ क्या है, मैं पहले इससे भी बहुत ज़्यादा पतली थी। अच्छा, अभी मैं थोड़ा मोटी हो रही हूँ, आगे ज़्यादा नहीं होंगी, बस थोड़ा सा और। अच्छा, एल्बम तो चलते रहता है, कभी आप लोग सोचे कि मुझे फिल्म में भी काम करना चाहिए? हाँ, मूवी के लिए मतलब मैंने सोचा है कि मैं मूवी करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी, कुछ टाइम के बाद करूँगी। अच्छा, किन्हीं के माध्यम से कुछ ऑफर आया कि आप मूवी कीजिए? हाँ, बहुत सारा कॉल आया मतलब करने के लिए, और बात बात भी हुआ, सारे कुछ सब कुछ सही था, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ अभी। मैं ये क्या कारण था? कारण कुछ नहीं है, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं अभी उस लायक अभी नहीं हूँ कि मैं मूवी करूँ, मुझे भी कुछ सीखना है मूवी के लिए, और खुद का पर्सनालिटी वगैरह बनाना है, कुछ सीख के करूँगी तो धमाका होगा। अच्छा, आपको जब फिल्म मिलेगा तो किस तरह का आप करना पसंद कीजिएगा? लव स्टोरी होता है, परिवार ऐसा नहीं है, कोई भी मूवी होता है तो उसका स्टोरी इंसान करने से पहले सुनता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बिना सुने कुछ कर देना है, सुन के स्टोरी वगैरह पढ़ के सब कुछ करके ही इंसान कोई मूवी करता है, तो मैं भी करूँगी वही, सब कुछ देख के अच्छा लगेगा तो मैं करूँगी। अच्छा, जब एल्बम में आता है बात, कुछ लव सॉन्ग होता है, हॉट सॉन्ग होता है, मतलब आपको किस प्रकार का एक्ट करने में सबसे बेहतर लगता है, जो कि आपको मन से मतलब अच्छा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? जैसे ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं पहली बात बोलूँ तो, जैसे कि मैं आपको कोई मैं बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, जो भी हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार हैं, जितने भी हैं, तो सॉन्ग के हिसाब से जैसा सॉन्ग रहता है उस तरह से हम लोग को कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। जैसे वाइफ का है तो जब तक कैमरा ऑन रहेगा तब तक हमको उसके वाइफ का कैरेक्टर में रहना है, ये नहीं कि उससे मेरा पर्सनल है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको वो पब्लिक को दिखाना है, वाइफ वाला गाना है तो वाइफ का कैरेक्टर हम करेंगे, भाभी का करना होगा तो भाभी का करेंगे, बहन का करना होगा तो बहन का करेंगे। फिर भी अंदर से होता है ना, मुझे ये अच्छा नहीं सबका, मैं लड़की हूँ तो मैं सब लड़की में तो वाइफ भी है, दादी भी है, मम्मी भी है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, ऐसा थोड़ी है, गाने में जो मांगेगा वो इंसान बन सकता है। अच्छा, अंकुश भैया से आपको कितना प्यार सपोर्ट मिलता है, जो उनका कोई भी गाना था और काफ़ी अच्छा अच्छा रिस्पांस मिलते रहता है? ऐसा बात नहीं है कि अंकुश जी मेरा सपोर्ट करते हैं, सारे जितने सिंगर सपोर्ट के बात ना, जब आप में टैलेंट है तो कोई कर सकते हैं ये मैं हाँ, सब लोग मेरे टैलेंट, मेरे में जो भी थोड़ा बहुत टैलेंट है सब लोग उसका। अच्छा, आप सीखे कैसे हैं सब? सीख ही नहीं हूँ मेरे अंदर, मतलब ये सबको देख देख के ही, और अंदर रहता है कि नहीं और कुछ सीखना है। अच्छा, जब सुनने में आया कि आप पहले टिकटॉक पे ये सब से फेमस हो के यहाँ तक एंट्री की, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में आपको कौन कितना ज़्यादा सपोर्ट किए? मेरी फैमिली। और इंडस्ट्री में आने के बाद यहाँ से यहाँ के कौन लोग? सब लोग जिसके साथ मैं काम की हूँ सबने। सबसे पहले मैं रंजीत सिंह जी के साथ एल्बम की थी,
फिर उसके बाद से खेसारी सर के साथ मेरा शूटिंग हुआ, फिर उसके बाद अंकुश राजा जी के साथ हुआ। लगातार मैं सबके साथ एक एक करके काम की हूँ और आगे कर रही हूँ। और आप मतलब नेक्स्ट मतलब क्या कुछ ख्वाहिश होगा कि मुझे और भी कुछ अच्छा, कुछ और भी यूनिक करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, जो कि काफ़ी अलग एक रिस्पॉन्स मिले? पहले से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा, आगे भी अच्छा, कुछ और भी अच्छा, कुछ हाई लेवल का कुछ वर्क होना चाहिए। होगा, ज़रूर होगा। पहले से तो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, पहले भी ऐसा जिस टाइम पे इंसान रहता है तो उस टाइम पे वो उस टाइम का वो बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी भी है तो अभी भी बहुत अच्छा गाना रहा है, कल को चल के और इंसान आगे बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा तो और अच्छा गाना आएगा। अच्छी बात। अच्छा, ऐसे ही आपके लाइफ में क्या क्या पसंद है? क्या मतलब डांसिंग हो गया, खाने पीने, पहनने, घूमने, ये सब? मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और मैं खाने के लिए मतलब हर दो घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ भी चॉकलेट हो या कुछ भी हो, बस चाहिए। और मैं ज़्यादा हमेशा हंसते रहती हूँ, रोना धोना पसंद नहीं है। अच्छी बात है। और हमेशा खुश रहती हूँ, सबसे बात प्यार से रहती हूँ। शिल्पी जी आप इतना क्यूट लगते हैं, कभी आप सोचे कि मुझे शादी अब कर लेना चाहिए, अपने लाइफ में कुछ अलग मोड करना चाहिए? क्यूट लगती हूँ तो शादी कर लो, ये ऐसा थोड़ी है। शादी का भी टाइम जब होगा, एज तो किया जाएगा, उस टाइम होगा, फैमिली जब बोलेगी तब, अभी तो टाइम है शादी। अच्छा, आपके लाइफ में अभी कोई ऐसा लड़का नहीं? अभी तो कोई नहीं, बस पर्सनल। आप सिंगल? हाँ, मैं सिंगल ही हूँ। आगे का कुछ च्वाइस? अभी तो कुछ नहीं है, आगे फ्यूचर में देखा जाएगा जैसा टाइम होगा। अच्छा, कीजिएगा तो। अभी तो मुझे बस अपना ड्रीम पूरा करना है। बिल्कुल, अच्छी बात। ड्रीम के पीछे मैं भाग रही हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, जब आप कीजिएगा तो या कोई सिंगर कलाकार से कीजिएगा या गांव घर के लड़का या मम्मी पापा के पसंद? ये मैं अभी क्यों बताऊँ, जब करूँगी तब सबको पता चल जाएगा कि मैं किससे कर रही हूँ। वो तो पता चलेगा, लेकिन नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं सिंगर से करूँगी तो हीरो से करूँगी तो करूँगी, अभी वो नहीं। अच्छा, आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। और जो कि ये थे शिल्पी अगवानी जी, बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है, जो कि आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने काम कर चुके हैं। तो छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट करके कमेंट में अपना जवाब बताइए। फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो जितने भी लोग देखते हैं उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, नमस्ते।